आज हम टमाटर की चटनी बनाएंगे। उसके लिए जरूरी सामग्री है जीरा, लाल मिर्च, टमाटर, गुड़, मूंगफली, काजू, किशमिश। सबसे पहले चार टमाटर लेंगे, उसके अच्छी तरह से कद्दूकस कर लेंगे। फिर काजू और मूंगफली भी लेंगे। काजू और बादाम को कद्दूकस कर लिया जाएगा। फिर मूंगफली को फ्राई करके हम निकालेंगे। फिर उसी तेल में हम जीरा डालेंगे। फिर सूखी लाल मिर्च डालेंगे 3। उसके बाद कद्दूकस किया हुआ टमाटर डालेंगे। उसके बाद गुड़ डालेंगे। उसको थोड़ा सा पकाने के बाद मूंगफली डाल देंगे, किशमिश डाल देंगे और फिर उसको चलाते रहना चाहिए। फिर अपने थोड़ा सा नमक डालना है। फिर थोड़ी सी हल्दी डालनी है ताकि इसका स्वाद बढ़ जाए और फिर उसको हिलाना है, धीरे धीरे चलाते रहना। फिर जो हमने कद्दूकस किया हुआ काजू और बादाम था उसको लास्ट में डाल देना है। फिर उसको थोड़ी देर पकने देना है। हमें इतना पकाना है कि ताकि उसका जो गुड़ का पानी है वो सूख जाए। ध्यान रखिएगा कि ज़्यादा ना पके, नहीं तो फिर वो टाइट हो जाएगा। और फिर अब देखिए ऐसा बन गया। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।